ये मैं लगभग 2016-17 में चालू किया था और आज 500 स्क्वायर फीट में कर रहा हूँ, 500 बैग के साथ। जैसे लागत की बात कर रहे हैं आप, तो लगभग एक बैग में 50 से 60 रुपये का खर्चा आता है और वो 1 किलो का प्रोडक्शन देता है जो मार्केट में 200 रुपये के आसपास बिक जाता है। मार्केट का, अगर यहाँ इसका लोकल मार्केट किस तरह से है, डिमांड कैसा है मार्केट में? यहाँ लोग खा रहे हैं एक बार भी, वो दोबारा ज़रूर मांग रहे हैं, बहुत अच्छा मांग है इसका। और अभी जैसे कई लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, तो कई लोग नहीं जानते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये जंगल में उगने वाला खुखड़ी है, उनको बताना पड़ता है कि हम ये इसको उगा रहे हैं आर्टिफिशियल घर में। दरअसल क्या हुआ कि 2016 से पहले मैं कुछ रोज़गार की तलाश में था, YouTube देखा करता था और देखते देखते मुझे समझ में आई कि नहीं मशरूम की खेती किया जा सकता है। और YouTube को देखते देखते मुझे लगा कि मैं एक बार चालू करके देखूं, और 5 बैग से स्टार्ट किया था। 5 बैग मैं घर में बनाया और टांग के देखा, और जब ठीक लगा मुझे तो फिर इसको आगे बढ़ा। इसके लिए क्या मौसम भी बहुत बड़ा मायने रखता है, इस तरह का मौसम होना चाहिए? देखिए, बरसात के दिनों में चालू करता हूँ और लगभग मार्च तक ये चलता है काम। कितने महीने का फसल होता है? ये 35 दिन में तोड़ना चालू कर देता हूँ। जैसे एक बार लगाए तो कितने कितने बारिश में तक तोड़ते हैं फल इसे? इसमें कई बार फ्रूटिंग होता है और लगभग 60 से 70 दिनों तक तोड़ते रहते हैं। कुल मिला के ये फर्स्ट दिन से लेके 35वें दिन में निकलना चालू होता है, उसके 60-70 दिन और तोड़ते हैं। एक प्रशांत सर हैं बायोटेक लैब में, वो बहुत मदद किए इस विषय में, मेरा कई चीज़ों में मार्गदर्शक बने वो और कई चीज़ें बताएं। इसमें कुछ कुछ दिक्कतें आई बीच में जो उनके मार्गदर्शन में सही हो गया। यह विकल्प है हमारे युवा भाइयों के लिए, तो बहुत ही बढ़िया विकल्प है। जो कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास काम नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया काम है।